लोग बहुत सुनते होंगे कि वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम कौन से होते हैं, तो मैं आपको ऐसे 7 टफेस्ट एग्जाम बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में 10 देख सकते हो और ऐसे आपको 10 7 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7 मैं ऐसे बताऊंगा जो 7वें नंबर पे है, जो टफेस्ट एग्जाम वर्ल्ड वाइड है वो गेट का एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए खासकर होता है, आपको PSUs और जॉब के लिए होता है, ठीक है। अगला एग्ज़ाम जो होता है आपकी IIT JEE एडवांस, जो इंडिया के लिए होता है या फॉरन में भी जाते हो, बीटेक के लिए होता है, बीटेक करने के लिए आप जाते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, वो दूसरा एग्जाम आपके 6 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे आता है आपका एक एग्जाम है मेंसा। मेंसा एक 97% आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए था और उसको IQ चेक होता है, तो 97% आपको मेंस का एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम होता है CFL, चीफ फाइनेंस एनालिटिक, ये ग्लोबली होता है और इसमें भी बहुत टफेस्ट एग्जाम है, इसमें 4 पेपर क्रैक करने होते हैं और सबसे टफ पेपर ये भी है, ये आपके 4थे नंबर पे है। तीसरा एग्जाम जो होता है वर्ल्ड वाइड जो होता है UPSC इंडियन में होता है, सॉरी, ये तीसरी ऐसी एग्जाम है जो टफेस्ट एग्जाम है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंडिया के में होता है, और इसमें IAS बनते हैं, IFS बनते हैं और आपकी IPS बनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कम से कम एवरी ईयर 1000 से नियर अबाउट 1000 या 800 या 900 स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं। अगला एग्जाम जो है 2nd नंबर पे ऑल सॉल प्राइज फेलोशिप एग्जाम, ये एग्जाम होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, इसमें आपको 4 पेपर होते हैं, 3 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एवरी ईयर 2 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं, एवरी ईयर सिर्फ ओनली 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अगला एग्जाम जो है आपका मास्टर सोमेलियर एग्जाम है, मास्टर सोमेलियर एग्जाम की खासियत यह है अभी तक 40 वर्षों में ये 229 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए हैं और ये UK में होता है, 4-स्टेज एग्ज़ाम है और ये भी बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है। और एक चाइना की एक एग्ज़ाम है जो और टॉप 10 में जो है वो भी देख लेते हैं, एक GRE होता है, आपको पता है GRE होता है, एक होता है आपकी GCOCO, एक चाइना का एग्ज़ाम होता है जो आपको वो आगे हायर एजुकेशन के लिए, इसमें 0.2% आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है CCIR, आपके सिस्को का एक एग्जाम होता है, वो भी बहुत टफेस्ट एग्जाम है और 7वें नंबर पे गेट जैसे था बताया था। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।